आजकल, और उनके काफी हिट गए हैं सॉन्ग, 200 प्लस के मैंने देखा। इटावा के सिंगर गौरव कुमार आज औरैया के विधुना में पहुंचे हुए हैं। यहाँ इनकी पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया गया है। जानेंगे किस तरीके का कार्यक्रम था और इनका जो गाना आया है, फोटो सॉलिड आ रही है, किस तरीके से वायरल हो रहा है, पूरी यूपी में धूम मचाए हुए हैं। भैया, जिस तरीके से आपने आज स्वागत किया गौरव कुमार आपके गाँव पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसा गाना लग रहा है इनका? बहुत अच्छा गाना लग रहा है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है। आपके गांव के लोग इतनी धूमधाम से इनका स्वागत कर रहे हैं, इनकी टीम का भी स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? कि इनका चैनल A2R चंद्रा म्यूजिक है यूट्यूब पर, कि बहुत लोग सब्सक्राइब करें हमारे गांव से। गौरव जी, जिस तरीके से आप अभी अभी जिस नए नए गाने ला रहे हैं और आपके गाने काफी हिट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार देखे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने हरियाणा में भी शूट किया है, तो आप आज आप धूना पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से स्वागत किया? मुझे यहाँ बहुत स्वागत अच्छा किया गया है, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहली बार आया था तब ये दादी के सानिध्य में ये मंदिर हमारा कार्य प्रगति पर था। तो जैसे हमने पहले गाने की मन्नत मांगी थी कि हमारा गाना अगर ये 100 के चला जाता है तो हम यहाँ दर्शन करने फिर आएंगे, तो वो गाना हमारा 250 के पार कर गया है। और जो नया गाना है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेंड में, तो हम यही भगवान से कामना करने आएंगे, भोलेनाथ से आए हैं, कि हमारा ये भी गाना हिट हो और ये सिद्धपीठ मंदिर है तो यहाँ हम जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है, इसी विश्वास के साथ आए। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं कार्यक्रम के श्याम जी गुप्ता जी, इनने हमारा हमारे तो हमारा स्वागत भी किया, इसलिए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इस बीच दादी भी हैं, दादी से बात करेंगे। दादी, क्या कहना चाहती हैं इनके लिए जो गाने बना रहे हैं? दादी, हमने सोचा था कि मंदिर हम अपन बनवाएंगे, तो हमने मंदिर बनवाया खुशी से सब लोग जनता के लिए। तो कैसा मंदिर है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनकी मनोकामना पूरी होगी इतनी जल्दी? इनकी मनोकामना तो मान लो इनके आशीर्वाद, इनकी सब बात का संपन्न है, तो सही है मान लो। कौन सा मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर है? शिव मंदिर। कितना पुराना मंदिर है? जो मंदिर तो 6 साल पहले बनवाओ, तो पर अभी 1 साल से हमने बनवाओ सब जी। तो देख सकते हैं ये सिंगर गौरव कुमार जो कि इटावा के रहने वाले हैं, आज औरैया के विधुना में पहुंचे हुए हैं, जहां इनका जोरदार तरीके से गांव के लोगों ने और यहां के लोगों ने स्वागत सम्मान किया है। इनकी जो पूरी टीम है, जिस तरीके से इस गाने को ये बनाने में अपनी गाने को जो लिखते हैं और उसके बाद शूटिंग करते हैं, तो इनके जो गाने हैं लगातार हिट होते जा रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन गानों को सुना जा रहा है। तो आगे की क्या तैयारी है, कौन कौन से गाने अब आने वाले हैं? आगे की तैयारी, हमारा एक गाना और तैयार हो गया है, बस उसकी शूटिंग पे हम 2 दिन बाद निकलने वाले हैं, और जिसे हम 30 तारीख तक लॉन्च करेंगे। और होली का भी गाना की एक तैयारी चल रही थी, अगर जल्दी से हो गया तो होली से पहले भी आप लोगों को एक गाना होली का सुनने को अच्छा सा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये इटावा के गौरव कुमार सिंगर थे जो आज यहाँ औरैया में पहुंचे हुए थे। इनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है, इन्होंने आगे बताया कि और भी कई नए नए गाने हैं जो वो लगातार आते रहेंगे। होली पर भी इनका एक नया गाना आने वाला है। अगर इनके गाने आपने सुने हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको गाना इनका कैसा लगता है। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।